एमपी तक एमपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख से अधिक मकानों का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन फिलहाल काम सिर्फ 4 लाख के आसपास मकानों पर ही चल रहा है और केंद्र से आने वाला इस योजना के लिए लगभग 640 करोड़ रुपए फिलहाल अटका हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो मैचिंग ग्रांट देना था वो सरकार नहीं दे पाई। पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बनने वाले 7 लाख मकानों को जो पहले अलॉट हो गए थे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वहां की सरकार भी मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाई थी। तो क्या मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकान जो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं क्या वो कैंसिल होंगे? और डबल इंजन सरकार के आखिर क्या मायने हैं? क्योंकि भोपाल में और दिल्ली में दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं। थोड़ी देर में इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 साल के सोशल मीडिया स्टार की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हीरानगर पुलिस स्टेशन एरिया में रहने वाले आदित्य नायक की उस समय खेल खेल में मौत हो गई जब वो फांसी का वीडियो शूट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आदित्य को इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने का शौक था और वो खुद को इंस्टाग्राम स्टार मानता था। आदित्य खेल खेल में फांसी लगाने का नाटक कर उसका वीडियो बना रहा था, उसी दौरान अचानक स्टूल फिसल गया और फंदा कस जाने के कारण उसकी मौत हो गई। बैतूल के पाथाखेड़ा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने बीवी की बेवफाई से आहत होकर फेसबुक पर लाइव आकर पहले अपना दर्द बयान किया और फिर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के पहले का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार की है जिसका वीडियो अब सामने आया है। मृतक का नाम दीपक दास है और उसकी उम्र 32 साल की बताई जा रही है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज इलाके में एक तेज रफ्तार से चल रही एसयूवी ने दो अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोगों को सीरियस हालत में भोपाल रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को सड़क किनारे खड़े लोगों को कार चालक ने 2 अलग अलग स्थानों पर रौंद डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने वाहन चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 2 लोगों ने एक 11 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता से दोस्ती का फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने पहले बच्ची का अपहरण किया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद पीड़िता का परिवार सदमे में आ गया और घटना के 5 दिन बाद पुलिस में शिकायत की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे मकानों की और उन पर छाए संकट के बादलों की। इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का 640 करोड़ से अधिक पैसा जो है, जो केंद्र सरकार से मकानों के लिए आना था, वो अटका हुआ है। और वो इसलिए अटका हुआ है क्योंकि मैचिंग ग्रांट जो मध्य प्रदेश सरकार को देनी थी वो नहीं दे पाई। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, कोरोना काल रहा, बहुत सारी समस्याएं मध्य प्रदेश में थी, क्या कारण रहा? क्या कोरोना की वजह से जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो गई और इस वजह से जो पैसा मकानों के लिए जाना था वो कहीं और डाइवर्ट हो गया? इस बात से मैं कहीं इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रायोरिटीज अलग हुई हैं। प्रायोरिटीज वही हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर मध्य प्रदेश को अवार्ड भी मिला है। हम कहीं पीछे नहीं है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बात कर रहे हो वो 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जरूर उसके निष्पादन में कहीं दिक्कतें आई थी, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार के समय उस सरकार ने हर योजना को और खासकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उसको उस ढंग से
टेकअप नहीं किया जैसा राज्य सरकार को करना चाहिए। सर मध्य प्रदेश जो बैकलॉग है, मुझे लेट मी फिनिश, जो बैकलॉग है उसको अब हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना मैचिंग ग्रांट देने में दिक्कत है और ना आप जो बोल रहे हैं कि संकट के बादल है, ऐसा भी नहीं है। मैचिंग ग्रांट की भी पूरी व्यवस्था है और हमारे प्रदेश में जितने आवास स्वीकृत हैं वो सभी आवास हमें मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर मध्य प्रदेश में 8 लाख मकान बनने हैं, अलॉटेड हैं, काम चल रहा है सिर्फ 4 लाख मकानों पर, और जो केंद्र से पैसा आना था 640 करोड़, वो तो फिलहाल फंसा हुआ है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत चल रही है, उनसे पैसा रहा है? देखिए हर विभाग, वो जो कंसर्न विभाग है वो बातचीत कर रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको यही निवेदन कर रहा हूं, चाहे पैसा आने की बात हो या आवासों की संख्या की बात हो। अरे अब हम तो आवास प्लस की लिस्ट बना रहे हैं। सर ये क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है? मैं ऐसा ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने वहां पर अलॉट किए गए 7 लाख मकानों को कैंसिल किया है। मुझे लगता है कि हम जब संघीय ढांचे की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं और किसी योजना के निष्पादन की बात करते हैं, तो हमें इतनी संकीर्णता के साथ विचार नहीं करना चाहिए कि किस राज्य में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं ताकत के साथ कहता हूं कि इस देश के संविधान की फेडरल व्यवस्था को जितना मजबूत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, उससे पहले शायद किसी और सरकार ने नहीं किया। और केंद्र सरकार बड़ा भाई है, राज्य सरकार छोटा भाई है। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो फिर योजनाओं में यदि कुछ मकान भी छत्तीसगढ़ को दिए तो फिर वो क्यों दिए जाते? इस तरह की बातें करना मुझे लगता है न्यूज का आपका पार्ट हो सकता है। जब सरकार चलाते हैं और सरकार में बैठकर समग्रता के साथ विचार करते हैं तो ये संकीर्णता दिमाग में नहीं रहती। केंद्र की सरकार बहुत ताकत के साथ इस देश में संघीय ढांचे को, फेडरल सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बुलाकर हर विषय पर चर्चा की है। जीएसटी का मामला हो चाहे किसी और योजना के निष्पादन की बात हो, केंद्र सरकार हर समय राज्य सरकार के साथ समुचित सामंजस्य के साथ काम करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के ऊपर कोई संकट नहीं है, लेकिन जो यार्डस्टिक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपनाई है, यदि वही यार्डस्टिक मध्य प्रदेश में अपनाई जाती है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जो व्यवहार किया, क्या वो इसलिए किया क्योंकि वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।